हेलो स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स में अभी चैप्टर डिलीट हुए हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा प्लस टू में डिलीट हुए हैं। प्लस टू की जो डिलीशन है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें सिर्फ एक शेल वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल, ये डिलीट हुआ है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, यानी ये वन लेक्चर का था, यानी आपका एक वन लेक्चर डिलीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में नो डिलीशन, कोई चीज़ नहीं डिलीट की उन्होंने, कुछ भी डिलीट नहीं किया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में अगर देखें तो नेक्स्ट चैप्टर में थर्ड चैप्टर में सिर्फ एक बुद्धू बनाने के लिए आप सब बच्चों को डिलीट कर दिया कलर कोड। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस के कलर कोड, वो जो बहुत ही ईजी थे, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, उसके अलावा वो काट दिया और कुछ भी इसके अलावा नहीं कटा। सीरीज पैरेलल तो देखो आपको टेंथ में ही था, वो तो वैसे ही कटा हुआ है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर में करते हैं, उसमें सिर्फ एक टॉपिक है जो साइक्लोट्रॉन, यानी कि ये टू लेक्चर का टॉपिक था, तो ये आपका काट दिया। जो फिफ्थ चैप्टर है, बेसिकली जो डिलीशन हुई है वो इस चैप्टर में ही हुई है। फिफ्थ चैप्टर का मेन जो था मैग्नेटिक मटीरियल, वो सारे के सारे ही डिलीट कर दिए हैं। ये सबसे ज़्यादा जो डिलीट हुआ है वो इसी टॉपिक में हुआ है। सिक्स चैप्टर है जो आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नो डिलीशन, इसमें कोई डिलीशन नहीं हुई, नो डिलीशन, इसमें आपका कुछ भी उन्होंने डिलीट नहीं किया। तो फिफ्थ चैप्टर तक आपको, मुझे लगता है ये फोर्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर तक आपको क्लियर है, तो यहाँ तक कोई डिलीशन नहीं की इन्होंने। तो इसके आगे देखते हैं, जो अभी ये देख लीजिए, फिफ्थ मैग्नेटिक मटेरियल है, सिक्स EMI है। ठीक है, EMI में कोई डिलीशन नहीं है। इसके आगे चलते हैं सेवन चैप्टर पे। तो जब हम सेवन चैप्टर की बात करें तो सेवन चैप्टर AC है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें तो सिर्फ एक पावर वाला है, पावर की डेरिवेशन आपकी डिलीट हुई और कुछ भी नहीं डिलीट किया, पावर की डेरिवेशन डिलीट की है। अगर एट चैप्टर में चलते हैं, इससे पहले EMI में कुछ नहीं किया। एट्थ में चलते हैं ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स है, जो बच्चों को लगता है वो रे ऑप्टिक्स कितना बड़ा चैप्टर है, ये डिलीट कर दिया। तो बच्चों, ये आपको सुन के बहुत दुख होगा कि इस चैप्टर में सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट डिलीट किया है, जो कि टेंथ का टॉपिक था। तो टेंथ का टॉपिक तो वैसे भी नहीं आता, जनरली लेंस के क्वेश्चन आते हैं तो लेंस का आएगा ही। अभी जो नाइन्थ चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, इसमें एक टॉपिक डिलीट हुआ है, जो कि ये भी दुख वाली बात है, ये सबसे ईजी टॉपिक था पोलराइजेशन का, ये करीब दो लेक्चर का था, ये जो आपका डिलीट हुआ है। इसके बाद डुअल नेचर पे चलते हैं, डेविसन एंड जर्मर ने डुअल नेचर टॉपिक है चैप्टर का नाम, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ डिलीट हुई है, डेविसन एंड जर्मर मेथड, वो वैसे भी कभी नहीं आया, उसका सिर्फ एक कंक्लूजन ही आता है। आप पिछले पेपर उठा के देख लें तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा डेविसन एंड जर्मर आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं टेंथ के बाद इलेवन चैप्टर पे। एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो ये एटम एंड न्यूक्लियाई टॉपिक है, एटम एंड न्यूक्लियाई, इसमें एटम में कोई डिलीट नहीं किया एंड न्यूक्लियाई में इसका थोड़ा सा पार्ट डिलीट किया है, करीब दो लेक्चर का। ठीक है, इसमें से कुछ डिलीट हुआ है। लास्ट जो चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, बेटा इसमें से तो सिर्फ सिंगल टॉपिक ज़ीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि बहुत ही ईजी था और जनरली पूछा जाता था हर चैप्टर, हर एक टेस्ट में, हर एक एग्जाम में, आप बोर्ड के पीछे पेपर उठा के देखें, हर एक में ज़ीनर डायोड था, बड़ा ईजी था, वो डिलीट कर दिया, यानी वो भी आपका नुकसान हुआ। यानी ओवरऑल कंक्लूजन, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन डालूं तो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ प्लस टू फिजिक्स की जो है, ओवरऑल कंक्लूजन डिलीशन की, वो सिर्फ एक मैग्नेटिक वाला जो मैग्नेटिक मटेरियल जो चैप्टर है, उसमें से आपका मेजर पोर्शन डिलीट हुआ है। ठीक है, यही एक टॉपिक है जो डिलीट हुआ है और बाकी सबका सब यूं का तू ही है।